सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और आयुर्वेदिक योग के बारे में बताने वाले हैं जो बच्चों के लिए विशेष रूप से काम करता है। इसके अलावा बड़े या बूढ़े लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। बच्चों में नमोनिया होना, बार बार सर्दी लग जाना, पसली चल जाना या इस तरह की जो सर्दी संबंधित या मौसम बदलता है या किसी अन्य कारण से जो बच्चों को ठंड लग जाती है और पसली चलने लगती है, नमोनिया हो जाता है, बार बार होता है, ऐसे रोगों में इस औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो औषधि है यह एक बहुत ही अच्छी और आयुर्वेदिक औषधि है जो बहुत सारे रोगों में काम करती है। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, किन किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, क्या इसका कंपोजिशन है, कैसे कैसे इस औषधि को किन किन औषधियों के मिश्रण से बनाया जाता है, क्या इसकी मात्रा रखनी होती है, कैसे इसको लेना होता है, सब कुछ हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इस योग के बारे में, इस योग में कौन कौन सी औषधियाँ इस्तेमाल होती है। दोस्तों, इस योग में हमने ये जो औषधियाँ हैं ये पैकिंग के हिसाब से ली है और इनमें से हम 10 दिन के लिए 2 साल के बच्चे के लिए औषधियाँ तैयार करेंगे। 2 साल से 3 साल तक के बच्चे को यह खुराक दी जा सकती है। हम इसकी 10 दिन की खुराक तैयार करेंगे जिसमें हम 20 पुड़िया बनाएंगे। इन सब औषधियों को आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं, बशर्ते इसकी जो मात्रा है वो आपको तोल के ठीक मात्रा लेनी होगी। इसकी मात्रा बड़े के हिसाब से या रोग के हिसाब से कम या ज़्यादा भी की जा सकती है। यह जो मात्रा हम इसमें बता रहे हैं यह 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए है। आप इनको बनाई बनाई तैयार की हुई पुड़िया भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, यह है कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो आप इसमें प्रयोग करने वाले हैं। तो इसमें इस्तेमाल होने वाली जो औषधियाँ हैं इसमें है टंकण भस्म, इसके अलावा संजीवनी वटी, पूर्ण चंद्रोदय रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, अभ्रक भस्म, शीतोपलादि चूर्ण। इन सब औषधियों का इस्तेमाल करके हम इस योग को बनाएंगे। कैसे इसको बनाना है वो हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। यह जो योग है यह एक सस्ता योग है। इसके अलावा अगर समस्या गंभीर होती है या रोग और ज़्यादा होता है उसके हिसाब से इसमें स्वर्णयुक्त दवाइयाँ भी लगाई जाती हैं, जैसे बसंत मालती रस, इसके अलावा महालक्ष्मी विलास रस जो स्वर्णयुक्त आता है, इसके अलावा और भी इसी तरह की कई औषधियाँ होती हैं जो स्वर्ण युक्त औषधियाँ होती हैं और वो बच्चे के रोग के हिसाब से लगाई जा सकती है और इनमें से कुछ दवाइयाँ हटाई जा सकती है। इस तरह से भी इस योग को बनाया जाता है। इसका जो पूरा योग होता है जो स्वर्णयुक्त जो काफ़ी महंगा होता है उसके बारे में भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो सभी प्रकार की औषधियाँ हैं इनको ले लेना है और आपको एक खरल ले लेनी है। इसको हम 20 दिन की यानी 20 पुड़िया तैयार करेंगे 10 दिन के लिए। तो इसको हम 6 टैबलेट हम पहले ले लेंगे आरोग्यवर्धिनी वटी की। इसके अलावा 6 टैबलेट हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं लक्ष्मी विलास रस। इसके अलावा त्रिभुवन कीर्ति रस की भी इसमें हम 6 टैबलेट लेंगे। इसके साथ ही हम संजीवनी वटी की भी इसमें 6 टैबलेट लेंगे। ये चारों में से ही 6-6 टैबलेट आपको ले लेनी है। इसके अलावा अभ्रक भस्म
हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं 1.25 ग्राम। टंकण वसन हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं 1 ग्राम। और शीतोपलादी चूर्ण हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं 12 ग्राम। इसके अलावा इसमें पूर्ण चंद्रोदय रस हम इसमें इस्तेमाल जो करेंगे वो 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम जो 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हम इसको 300 से 500 मिलीग्राम कम से कम रखेंगे। और इसकी सबसे पहले गुटाई कर लेनी होती है पूर्ण चंद्रोदय रस की। सबसे पहले इसमें खरल में डाल करके इसकी अच्छे से गुटाई कर लीजिए। गुटाई करने के बाद ये जो औषधियाँ हैं इन सभी को इसमें डाल करके इसकी भी अच्छे से गुटाई कर लेनी है। खूब खरल करके जब पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए या बिल्कुल बारीक हो जाए तब इसमें शीतोपलादी चूर्ण, अदरक, लहसुन ये सभी डाल करके इसकी अच्छे से फिर से गुटाई करनी है। और गुटाई करने के बाद इसकी लगभग 800 मिलीग्राम के आसपास की एक पुड़िया बनेगी। एक पुड़िया 800 मिलीग्राम के आसपास की, 700 से 800 मिलीग्राम की एक पुड़िया तैयार हो जाएगी। और इसको आपको स्वसारी प्रवाही के साथ बच्चे को सुबह और शाम दोनों ही समय देनी है और बच्चे को दूध भी पिलाते रहना है। इस तरह से अगर आप कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे तो सभी प्रकार के सर्दी खांसी संबंधित सभी रोगों से छुटकारा मिलेगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और जो बार बार निमोनिया होता है बच्चों को या बड़े लोगों को भी उनमें इससे छुटकारा मिलेगा। इसका इस्तेमाल आपको कम से कम 20-25 दिन लगातार करना चाहिए, उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। आप इसका इस्तेमाल अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार या जो भी आपके नज़दीक में हकीम लोग हैं उनके परामर्श अनुसार इस योग का प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा योग है जो सर्दियों में या गर्मियों में भी जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनको बार बार नज़ला, जुखाम, खांसी, निमोनिया हो जाता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी गुटाई होने के बाद यह तैयार हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट करने इसके संबंध में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी ही और भी इस तरह की किसी भी आयुर्वेदिक औषधि, यूनानी औषधि तो मिलते हैं या देसी जड़ी बूटियों को घर बैठे मंगाने के लिए आप